नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और अभी आपके सामने है ऑल न्यू रेनो काइगर। अब रेनो काइगर रेनो की तरफ से ऑफर की गई ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसके लुक्स हर किसी को पसंद आते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपको रेनो काइगर को आज 2022 में परचेस करना चाहिए, क्योंकि अब इसी सेगमेंट में या फिर इसी प्राइस में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे गाड़ी कम्पीट करती है नेक्सॉन के साथ, एक्सयूवी 300 के साथ, वेन्यू के साथ, सोनेट के साथ, बहुत तगड़ा कंपटीशन है इसके पास। अगर आप बात करेंगे इस गाड़ी के सेल्स फिगर की तो पिछले महीने फरवरी 2022 में ये गाड़ी 2200 यूनिट से थोड़ी ज़्यादा बिकी है, और अगर आप पिछले साल 2021 से कंपेयर करें ये 30% नीचे आ गई है। तो क्या सारे रीजंस हैं, क्या कस्टमर्स को अभी ये गाड़ी पसंद नहीं आ रही है, या फिर रेनो इसमें क्या एक्स्ट्रा दे जो कि आपको एक ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी बाई लगे। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली यही है कि क्या आपको एक हैचबैक को छोड़ के एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाना चाहिए जहाँ पर आपको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिल रही है, ज़्यादा बड़ा आपको अंदर कैबिन स्पेस मिलता है, और इस गाड़ी की जो ड्राइवेबिलिटी है और जो आपको कंफर्ट देती है वो हैचबैक से 5 गुना ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे इस गाड़ी के लुक्स की, तो काइगर का जो सबसे प्लस पॉइंट स्टार्टिंग से रहता है ना वो है इसके लुक्स। अब मैंने कहा कि ये गाड़ी कम्पीट करती है ब्रेजा, नेक्सॉन, WRV से, लेकिन जो इसका पूरा करेक्टर है ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न लगेगा अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी सभी गाड़ियों से। अब जो इसकी फ्रंट की सारी ग्रिल के एलिमेंट्स है ना, ये जो नई आने वाली ब्रेजा है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है। जो नई फेस लिफ्टेड ब्रेजा इंडिया में लॉन्च होने वाली है उसमें भी कुछ हल्के हल्के ऐसे ही फ्रंट के फेशिया के एलिमेंट्स ऐड कर रही है मारुति, तो थोड़ा सा तो मॉडर्न कैरेक्टर इसमें अपने समय के हिसाब से दिया था रेनो ने। और बात करें इसके DRLs की, तो इसमें ये कुछ DRLs है, बाकी जो सारे हेडलैम्प्स हैं ये आपको इसमें LED ऑफर किए जाते थे। और गाड़ी में जो क्लैडिंग का पार्ट है ना वो बहुत देखने को मिलता है, जिससे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और एक मस्कुलर कैरेक्टर अपने साथ स्टार्टिंग से लेके आई थी। अब रेनो की जो गाड़ियाँ पहले रहती थी ना, सेफ्टी में उतना ज़्यादा लोग सीरियसली उसे नहीं लेते थे, लेकिन जब से आपकी ये ट्राइबल लॉन्च हुई है जिसमें आपको CMF A+ प्लेटफॉर्म देखने को मिला था, वही प्लेटफॉर्म में आपकी ये आ गई CMF A+ प्लेटफॉर्म में, और दोनों ही गाड़ियों को ग्लोबल NCAP ने 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है। तो इन दोनों गाड़ियों के लिए तो बहुत बड़ा हेड्स ऑफ है, जहां अभी भी सेल्टॉस, क्रेटा, इनको 2.5 से लेकर 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है केवल, लेकिन इस गाड़ी का अपने में एक वैल्यू बन गई थी जिस दिन इसकी सेफ्टी रेटिंग आई। जो इसका 1 लीटर का एनर्जी सीरीज का इंजन है जो आपको पहले ट्राइबर में देखने को मिल चुका है, वो 72 PS की मैक्सिमम पावर ऑफर करता है और 96 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है। इस गाड़ी के हिसाब से सफिशिएंट है अगर आपको एक शहरों में गाड़ी चलानी है तो काफ़ी सेंसिबल चॉइस आपके लिए बनती है। और जिसको थोड़ी परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए एक और इंजन ऑप्शन है जो कि इनका 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, 100 हॉर्स पावर बनाता है, वहीं जो नॉर्मल इंजन है ये 72 बनाता है, वो आपको 160 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देता है, वहीं ये वाला इंजन 96 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देता है। अब ये तो बात रही इंजन की, लेकिन वेरिएंट में भी काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। तो टोटल जो वेरिएंट है, जैसे मैंने कहा कि इसका बेस वेरिएंट है RXE, उससे ऊपर आपको RXL, फिर RXT, फिर RXT में ऑप्शनल, और फिर RXZ जो आज हमारे साथ है ये इसका टॉप मॉडल ही है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 8,09,990 रुपये, और बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 5.79 लाख रुपीज़, और जो बेस वेरिएंट है वो ऑन रोड कॉस्ट करता है 7,20,000 रुपीज़, 7,20,000 रुपये, और जो टॉप मॉडल है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 8,09,990 रुपीज़, ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगा 9,82,000 रुपीज़। तो 10 लाख से कम के बजट में गाड़ी आ रही है, स्पेशली मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाहिए था कि 10 लाख से कम के बजट में ये स्पेशली जो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड नॉर्मल इंजन है ये कितना वैल्यू फॉर मनी आपके लिए होगा। आइए देखते हैं क्या सारा कुछ है। तो गाड़ी के आपने सारे लुक्स और डिज़ाइन को देख ही लिया है, स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं, बाकी जो गाड़ी की लंबाई चौड़ाई है वो भी अगर आप देखते हैं तो 3991 mm इसकी लंबाई है, जो कि इस सेगमेंट में सभी गाड़ी अंडर 4 मीटर सेगमेंट में आती है। और साइड में आपको एक बैजिंग देखने को मिलेगी जो कि आपको RXZ मॉडल की दिखाती है। बाकी बात करोगे इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो कि सही है, क्रेटा सेल्टॉस से ज़्यादा ही मिलता है। अब ये गाड़ी उस सेगमेंट की भी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है। उसके साथ अगर आप देखते हैं इसको पंच से काफ़ी लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो टाटा पंच से आपको इसमें ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट बन सकता है पहाड़ों के हिसाब से। और टायर्स को भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं, तो MRF के टायर इसमें ऑफर किए गए, और इसका साइज है 195/60 सेक्शन, रेडियल 16 का टायर है, और ऐसे कुछ जो सारे के सारे अलॉय है ये डुअल टोन में मिलेंगे, कुछ ऐसे डायमंड कट है, और इसके साथ साथ कुछ ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए। बाकी आगे दी गई है इसमें डिस्क ब्रेक, और पीछे इसमें ऑफर कर रहे हैं लोग ड्रम ब्रेक, बाकी सस्पेंशन ट्रैवल और ये सारी चीज़ें आप ऐसे देख सकते हैं। और पीछे आप नज़र मारिए इसके जो बूट स्पेस है, तो 405 लीटर का बूट स्पेस है 405 लीटर का,
और सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस एक तरीके से है इसके पास, बहुत अच्छा कार्गो वॉल्यूम आपको दे देता है। और यहाँ नीचे देखिए तो कुछ इसका स्पेयर व्हील है और ये रेड कलर में पेंटेड किया गया है थोड़ा स्पोर्टी बनाने के लिए, तो ये भी एक बढ़िया टच मैं कहूँगा, पूरा रेड कलर के थीम में आ रहा है। यहाँ पर सीएट के टायर है और जैसे मेन वाले टायर MRF के दिए गए। इसका साइज़ भी देखोगे ना तो 185/65 रेडियल 15 का है, अंडर साइज टायर है। तो ये सारी चीज़ें आप देख ली, तो ये बहुत क्विक वॉक अराउंड हम करने वाले हैं। गाड़ी की सेफ्टी बहुत सही है, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। जो शीट मेटल है वो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में भी देखेंगे तो अच्छा यूज़ किया गया इसमें, कोई ऐसे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ अगर ज़्यादा ही नेटपिकिंग करेंगे तो ये तो पहले आप इसके डैशबोर्ड में नज़र मारिए क्या सारा कुछ दिया गया है। बाकी इसमें ना डुअल टोन और ये सारे ऑप्शन भी आते हैं तो उसकी बात भी कभी करते रहेंगे, लेकिन ये इसका कुछ आपको डैशबोर्ड दिखने को मिलता है। और आइए बात करें इसके ये वाले पूरे सेक्शन की, तो ये वाला पैनल भी देखेंगे सारा हार्ड टच है, यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट टच इन ऑफर करा है तो ये एक प्रीमियम फील है। और ऐसे कुछ यहाँ पर डिज़ाइन टेक्सचर दिए गए थोड़ा सा आपको SUV फील कराने के लिए ये ऑफर कर रहे हैं हैंडल्स। और ये थोड़ा सा लोगों को लगता है कि मैग्नाइट में भी सेम है, वो इसका थीम इसमें थीम सेम ही रह रहा है, लेकिन गाड़ी का ऐसा कुछ पूरा कंपोज़र आता है। बाकी अगर आप स्पीकर सिस्टम की बात करेंगे तो गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर आते हैं और 4 ट्विटर्स आते हैं, तो यहाँ पर भी ये प्लस पॉइंट लेके जाती है। और इतना कुछ इसका सीटिंग का स्पेस बनता है कुछ, और यहाँ पर जो सीट्स है ये हाइट एडजस्टेबल है, मैनुअली आपको करनी होगी, यहाँ पर कुछ इतना स्पेस है। और यहाँ पर थोड़ा जो स्टेयरिंग का सारा सिस्टम है, स्टेयरिंग कॉलम, वो विजिबल रहता है। और यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस है, इस गाड़ी को मैंने काफ़ी चलाया हुआ है। और एक चीज़ आपको और स्पेशली बताऊं कि जो ये पावर विंडो है ना, ये अभी ऑपरेट नहीं करेंगी, जब आपका इंजन स्टार्ट होता है ये तभी ऑपरेट करती है, और बाकी ORVM आपको फोल्डेबल और ये सारे फंक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेयरिंग में एक बार यहाँ से इसका नज़र मार लीजिए, तो ऐसे कुछ इसके स्टेयरिंग दिए गए, ये डी कट स्टेयरिंग है। और एक बार ये बंद करके दिखाते हैं आपको, तो अभी साउंड बंद हो गई, देखिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और ये इसका ना सबसे बढ़िया सा एक एनिमेशन ही अपने साथ लेके आता है, एक बड़ा सा आपको हॉराइजन दिखता है, उसमें कुछ ये सारे ग्राफिक्स से शो करता है और ऐसा कुछ, मतलब ये बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपसे कंपेयर करेंगे मैग्नाइट से तो उससे तो ज़्यादा बढ़िया आपको ये लगने वाला है, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट रहता है स्टार्टिंग से ही। तो सेफ्टी में ABS EBD ये कुछ इसके स्टैंडर्ड फीचर है। और यहाँ पर आपको कुछ ऑटोमेटिक AC ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एक यहाँ पर कुछ जैगवार इंस्पायर्ड स्टार्टिंग से ही आता है जो सेंटर कंसोल है, बहुत सही लगता है। अभी यहाँ पर प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी लाइट भी लेगी आपको, लेकिन ऐसा कुछ पूरा व्यू आता है। और ये बड़ी सी आपको एक आर्मरेस्ट यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, और ये इसके जो अंदर फैब्रिक के सारी सीट्स है, ये जो लाइट्स है ये आपको हैलोजन ऑफर की गई है। बाकी गाड़ी का बॉनेट काफ़ी अच्छा आपको विजिबल होगा, ये भी इसके पास एक प्लस पॉइंट आता है। और यहाँ पर देखेंगे ये इसका कुछ जो एक ग्लव बॉक्स है ये ऑफर कर रहे हैं, और एक नीचे भी मिल जाता है, तो वही ट्रैवर वाला कॉन्सेप्ट है। और ये इसकी जो स्क्रीन है उसका साइज़ भी ठीक है, 17.78 के रेंज में इसकी स्क्रीन है, जो फंक्शन ये आपको देती है ये अभी देखिए इसको यहाँ से करके। तो इसका लेआउट कुछ ऐसा स्टार्टिंग से वैसा ही है, कोई अभी अपडेट ऐसा कुछ आया नहीं है इसमें, जो UI में अपडेट ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक सारी जो फंक्शन है वो आपके करने वाली है। और क्लच जो आपको मिलेगा थोड़ा सा इसमें हैवियर साइड में आपको दिया जाता है, तो यहाँ पर से आप चाहे तो इसका जो ये वाला पुल टाइप है इसको उठा के आपका रिवर्स गियर इसमें इंगेज होता है। और गियरबॉक्स थोड़ा पीछे को इसका लगा हुआ है, और यहाँ पर से इसकी जो रिवर्स कैमरे की क्वालिटी है यहाँ पर सफिशिएंट आपको दिख पा रही होगी। बाकी इसमें थोड़ा बहुत आपको प्ले ज़रूर मिलेगा, बाकी इसमें ड्राइव मोड आता है, इकोनॉमी अपने हिसाब से माइलेज मिल जाएगा आपको, स्पोर्ट्स में थोड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी, और नॉर्मल रिकमेंडेड है जिसमें आप चला सकते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत आपको सारा चार्जिंग का सिस्टम ये ऑफर कर रहे हैं। तो पीछे की स्पेस की भी बात करेंगे तो ये है इसके पीछे का कुछ स्पेस, सारा कुछ कैसा है, आगे की तरह सीट दी गई है। अब इसका ना कल मॉर्निंग में और अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे, अभी एक क्विक वॉक अराउंड में आपको लाया था, क्योंकि काइगर की सेल्स फिगर भी इस बार ठीक आया है, पहले से 30% डाउन हुई है, लेकिन फिर भी देखेंगे तो कुछ फैब्रिक और ये सारा कंसोल है, और ऐसे कुछ यहाँ पर सारी ब्लैक्ड आउट है फुल ऑन इंटीरियर्स। और यहाँ पर टनल आपको नॉर्मल मिलने वाली है, ये मिलता है आपको इसका कुछ फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड का पार्ट, पीछे एक AC वेंट दिया गया है, और पीछे 3 लोगों के लिए कुछ इतना स्पेस है बना के देते हैं। ऊपर एक स्पॉयलर वाला पार्ट है, और एक देखेंगे शार्क फिन एंटीना, और ये है इसका आपको जो रूफ रेल दिए गए सनरूफ वाले ऑप्शन, मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कि बजट के साथ ही आपको ऑफर की गई थी, तो इसमें ये वाली चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन हमने वही कहा कि ये ऑन रोड आपको क्या कॉस्ट करेगी। और एक और सही चीज़ जो इसमें है ना, कि अगर आप गाड़ी से दूर जाते हैं तो गाड़ी अपना आप लॉक, और पास जाते हैं तो अनलॉक हो जाती है, ये बिना दवाई भी काम करने वाला है आपके लिए। तो ये कुछ थी, प्राइसिंग की भी हम बात कर लेते हैं, प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें, तो प्राइस की सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अब ये शोरूम की एक्सक्लूसिव प्राइस होती है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया ज़रूर लगेगा कि 5.79 से इसका ये वाला वेरिएंट स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1 लीटर एनर्जी सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ है। और अगर आपको टर्बो चाहिए तो आपको काफ़ी ऊपर आना पड़ेगा, 1,10,000 रुपये से ऊपर का डिफरेंस पड़ता है दोनों में। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए। तो ये सारी प्राइस डिटेल्स है, तो ऑन रोड प्राइस बीच में यहाँ सारा मेंशन है, आप देख सकते हैं ऑन रोड प्राइस की डिटेल्स। बाकी ये दो कीज़ आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं, एक कलर ऑप्शन इसका ये है, ये इसका रेडियंट रेड कलर ऑप्शन है। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, काफ़ी क्विक वॉक राउंड था, लेकिन डिटेल्स आपको मिल गई होंगी। आप यहाँ आ सकते हैं, जो अपना शोरूम है हल्द्वानी में रहनो का। बाकी डिटेल्स के लिए मिलते हैं कल, बनाएंगे एक और इसकी वीडियो। तो गुड बाय।